नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के कानपुर देहात में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप तस्वीरें देखकर खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल एक सब्जी बेचने वाले युवक के साथ गांव के दबंगों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं बल्कि उसको तालिबानी सजा दे डाली, साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस पीड़िता युवक का कसूर इतना था कि दबंगों को फ्री में सब्जी नहीं दी थी। जी हाँ, आपको बता दें, मामला जनपद कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के रणधीरपुर गांव का है, जहां थाना रूड़ा क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव निवासी अरविंद कुमार ने थाना पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि पीड़ित प्याज व आलू की सब्जी की बिक्री के लिए फेरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित अरविंद ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के रणधीरपुर गांव में फेरी करके सब्जी बेच रहा था, तभी रणधीरपुर गांव निवासी नेता फ्री में सब्जी मांगने लगे। सब्जी ना देने पर नेता व उसके साथियों ने अरविंद का सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर मुंह पर कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्जी बेचने वाले युवक को सजा दी जा रही है। दबंगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल में पीड़िता की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। ये थाना मंगलपुर क्षेत्र के रणधीरपुर गांव में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक का बाल काट करके और उसके मुंह में कालिक पोतने की गंभीर घटना प्रकाश में आई है। युवक की तहरीर पर नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि ये पीड़ित युवक अपने गांव में ब्याही एक विवाहिता के मायके में जाकर के उसको साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में गांव वालों ने रिएक्शन में इसको पकड़ करके और इसके बाल काटे गए हैं। और चूँकि ये गंभीर प्रकरण है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो वीडियो में कुछ अन्य युवक दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी।